Hello everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 13 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the draping. So in this video we are going to discuss about what is draping and why it is used in dress designing. So here is the general definition on the draping process. The process of positioning and pinning the fabric on a dress form is called draping. It is an essential step in fashion designing as it helps to get the perfect shape or perfect size. Draping का जो process है वो garment construction में एक बहुत ही पुराना process है और बहुत ही essential process है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है. And now we are going to talk about the advantages and disadvantages of draping in fashion. तो draping का advantage यानी हमें फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो garment है वो किस तरह का दिखेगा और इससे हम एक बेटर पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं. जबकि अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसके लिए आपके पास ड्रेस फॉर्म या मैनिक्विन होना लाजमी होता है. ड्रेपिंग जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है और डिज़ाइनर्स को ड्रेपिंग के बेसिक्स और ड्रेस ड्रेपिंग का या ड्रेपिंग का क्या प्रोसेस है ये लाजमी तौर पर पता होना चाहिए. ड्रेपिंग प्रोसेस को बार बार प्रैक्टिस करने से हम बहुत ही ज़्यादा फ्लेरी जो है पैटर्न्स वो भी क्रिएट कर सकते हैं. इन एडिशन यू कैन ऑल्सो मेक द वेस्टर्न वेयर ड्रेसेस बाई यूजिंग दिस प्रोसेस लाइक फेरी गाउन और फ्लेरी प्लेटेड फ्रॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ड्रेपिंग का फुल डिटेल प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से आप ड्रेस फॉर्म पर अपने ड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं और उससे मुख्तलिफ पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपने ड्रेस के. So our video is completed now. We'll see you in next class. Thank you. Allah Hafiz.